सैनिक स्कूल 2024 का ई काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसमें राउंड वन और राउंड टू दोनों के कट ऑफ्स आ चुके हैं। राउंड थ्री का ई काउंसलिंग अब स्टार्ट होगा। तो आज का वीडियो है क्लास नाइन का राउंड वन का कट ऑफ। ये वीडियो मैं इसलिए बना के रख रही हूँ ताकि जो बच्चे 2025 या आने वाले ईयर्स में अप्लाई करेंगे सैनिक स्कूल के, उन्हें ये आइडिया लग जाएगा कि बच्चे को कितने मार्क्स मिनिमम टारगेट करके चलना है ताकि वो एक सेफ स्कोर ला सके एंट्रेंस एग्ज़ाम में और सीट पा सके। क्लास नाइन में मैक्सिमम कट ऑफ 390-384 ऐसे गया है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए, जो कि बेस्ट सैनिक स्कूल माना जाता है। वहीं लोएस्ट कट ऑफ 290 के अराउंड गया है, वहाँ पे बच्चों ने कम अप्लाई किया था उस स्कूल में। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा से बोलते आई हूँ कि क्लास नाइन के लिए 350 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का टारगेट रख के चलें, और अगर आपको बेस्ट स्कूल चाहिए तब तक 380 प्लस मार्क्स लाने ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सैनिक स्कूल नगरोटा से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है। यहाँ पे होम ओबीसी के लिए बॉयज़ का मार्क्स कट ऑफ गया है 252, रैंक है 7195। होम एससी का कट ऑफ गया है 310, होम अनरिजर्व यानी कि जनरल का गया है 346। सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए होम का मतलब है जिन बच्चों का परमानेंट रेसिडेंस जम्मू एंड कश्मीर में है, यानी कि जो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो होम कैटेगरी में आएंगे, और अगर दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उन्हें अदर स्टेट कैटेगरी में माना जाएगा। सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए गर्ल्स मार्क्स नहीं दिए हैं, गर्ल्स कट ऑफ नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के लिए सीट नहीं थी क्लास नाइन में। तो गर्ल्स के लिए हर साल हर सैनिक स्कूल में सीट्स नहीं होती, और कुछ सैनिक स्कूल में तो क्लास नाइन के लिए सीट्स रहती ही नहीं है। किस सैनिक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कितने सीट्स हैं किस कैटेगरी में, इसकी जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही मिल जाएगी, जो आपको फॉर्म फिलअप के टाइम वेबसाइट पर मिल जाएगा। बात करते हैं सैनिक स्कूल नगरोटा में अदर स्टेट का क्या कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे बिहार के बच्चे ने अप्लाई किया था, तो बिहार के बीसी बॉयज़ का कट ऑफ है 336, हिमाचल प्रदेश एससी कट ऑफ है 290, होम डिफेंस कैटेगरी का कट ऑफ है 356, होम अनरिजर्व का 360। उत्तर अनरिजर्व यानी कि उत्तर प्रदेश के जनरल कैटेगरी के बच्चों का यहाँ पे कट ऑफ किया है 372। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड के लिए होम डिफेंस का गया है कट ऑफ बॉयज़ का 360, होम ओबीसी का गया है 344, होम एससी का 290, होम एसटी 342, होम अनरिजर्व यानी कि जनरल का 360। क्लास नाइन में गर्ल्स के लिए इस साल यहाँ पे कोई सीट्स नहीं थी, इसलिए गर्ल्स का डेटा नहीं है। घोड़ाखाल में अदर स्टेट्स का कट ऑफ बहुत ही हाई गया है। बिहार के बच्चों का डिफेंस कैटेगरी में कट ऑफ गया है 374, बिहार का ओबीसी का है 364, दिल्ली का अनरिजर्व यानी कि जनरल का है 384, हरियाणा अनरिजर्व 390, मध्य प्रदेश एसटी 346, उत्तर प्रदेश अनरिजर्व यानी जनरल 382। सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश के लिए क्लास नाइन में कोई सीट्स नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ के सैनिक स्कूल अंबिकापुर का बात करते हैं। यहाँ पे होम डिफेंस का बॉयज़ कट ऑफ गया है 268, यहाँ पे गर्ल्स की सीट्स थी, तो होम ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स का गया है मार्क्स 276, वहीं बॉयज़ का है 312। होम एससी कट ऑफ है 234 बॉयज़ का, होम एसटी का 264 बॉयज़, होम अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में गर्ल्स का है 292, वहीं बॉयज़ का है 332। अब अदर स्टेट स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश के लिए बॉयज़ का कट ऑफ गया है यहाँ पे 360, बिहार ओबीसी का गया है 350, बिहार अनरिजर्व्ड बॉयज़ 352, हरियाणा एससी गर्ल का है 312, हिमाचल प्रदेश एससी कैटेगरी का बॉयज़ का है 286, मध्य प्रदेश एसटी कैटेगरी का 272 गर्ल्स, मध्य प्रदेश अनरिजर्व्ड बॉयज़ का है 366, राजस्थान एसटी 286 बॉयज़, उत्तराखंड डिफेंस बॉयज़ का 348, उत्तर प्रदेश ओबीसी 346। बाकी सैनिक स्कूल के कट ऑफ भी वन बाय वन इसी वीडियो में आप देख लें, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहें।